पंजाब में धान की खरीद और भुगतान पर बोले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, 27 अक्टूबर तक 1,11,37,000 टन धान की हो चुकी है खरीद, थपथपाई सरकार की पीठ। महंगी बिजली और 800 स्कूल बंद होने के मुद्दे को लेकर विरोधियों के निशाने पर सरकार, बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर आज अमृतसर में बीजेपी का प्रदर्शन, तो कई जिलों में जारी रहेगा आम आदमी पार्टी का धरना। आने वाले दिनों में कम हो सकते हैं पंजाब में शराब के दाम, वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के संकेत, कहा फाइनेंस डिपार्टमेंट कर रहा है मंथन। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री सिद्धू का बयान, पैसे की होगी रिकवरी, दोषियों की जब्त की जाएगी संपत्ति। राष्ट्रीय सिख संगत का बयान, सफल रहा समागम, विदेशों में भी होंगे आयोजन, अकाली दल से नहीं मतभेद, तो अकाली दल ने कहा श्री अकाल तख्त साहिब का होगा आदेश का उल्लंघन करने वाले को तलब करने का फैसला। शुक्रवार को जालंधर के एक निजी होटल में साउथ ईस्ट एशियन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन की कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल पीपी सिंह बदनौर पहुंचे। 2 सितंबर को मोहाली में पत्रकार केजे सिंह और उनकी मां की निर्मम हत्या के आरोपी गौरव को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया, पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी लेकिन कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड मुकर्रर की। हिमाचल की वादियों में चुनावी सरगर्मियां तेज, आज नूरपुर और पालमपुर में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, तो मंडी में प्रेम कुमार धूमल संभालेंगे बीजेपी की कमान, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बीजेपी के गढ़ बिलासपुर में रैलियां करेंगे। 29 अक्टूबर से हिमाचल में बीजेपी के स्टार प्रचारक करेंगे प्रचार, केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली 29 नवंबर को जारी करेंगे बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट, योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रचार, 2 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा नाहन। हिमाचल में बीजेपी ने सीएम उम्मीदवार को लेकर नहीं खोले पत्ते, जेपी नड्डा ने कहा चुनाव बाद सीएम का ऐलान होगा। हिमाचल में कांग्रेस की सह प्रभारी रंजीता रंजन का बयान, 6 या 7 नवंबर को राहुल गांधी कर सकते हैं कांग्रेस के लिए प्रचार। आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, गीता निकेतन स्कूल में समागम में करेंगे शिरकत, हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी भी रहेंगे मौजूद। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले की सुनवाई पूरी, बचाव पक्ष ने आरोपियों के बयान पर की बहस, 31 अक्टूबर को अगली सुनवाई। एसएल फाइनेंस ने लॉन्च किया एसएल म्यूचुअल फंड, एसएल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा और एसएल फाइनेंस के एमडी अमिताभ चतुर्वेदी ने की शुरुआत, एसएल फाइनेंस वेल्थ जोन ने कई कंपनियों की शेयर होल्डिंग का किया अधिग्रहण। मेवात में 2 दिवसीय ऑल इंडिया पुलिस गोल्फ टूर्नामेंट का शुक्रवार को समापन, प्रतियोगिता के अंतिम दिन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मामलों के मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने शिरकत की। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला शुक्रवार देर रात सोनीपत पहुंचे, जहां उन्होंने INLD कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कहा INLD की सरकार बनने के बाद किसी भी नौजवान को बेरोजगार नहीं रहने दिया जाएगा। गुरुग्राम पुलिस ने बांवरिया गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, बदमाशों ने यूपी के जेवर, बुलंदशहर, हरियाणा के मेवात में लूट और गैंगरेप के बाद हत्या की वारदात को कबूला। अंबाला में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच के लॉकर से गायब हुआ करीब 8 लाख का कैश और ज्वेलरी, पुलिस का आरोप, शिकायतकर्ता की बेटी और दामाद ने बैंक कर्मचारी के साथ मिलकर साजिश की। आतंकवाद पर पाकिस्तान को अमेरिका की चेतावनी, विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा आतंकियों पर कार्रवाई करे पाकिस्तान। ब्लू व्हेल गेम पर रोक के उपायों पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब, 3 हफ्तों में रिपोर्ट सौंपेगी जांच कमेटी, कोर्ट ने बताया राष्ट्रीय समस्या। भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान की यात्रा करके लौटे हैं अमेरिका के विदेश मंत्री, अमेरिका जाते ही बयान जारी किया। उज्जैन महाकाल के जलाभिषेक के नए नियम आज से लागू, मंदिर प्रशासन के सुझावों को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी। महाकाल के जलाभिषेक में अब 0.5 लीटर साफ जल चढ़ा सकते हैं भक्त, 1.25 लीटर दूध चढ़ाने की भी इजाजत मिलेगी। पीवी सिंधु पहली बार फ्रेंच ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंची, क्वार्टर फाइनल में चीन की चेन युफेई को हराया। रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के 3rd मैच के लिए टीम इंडिया ने खास तैयारी की, जिम में पसीना बहाते देखे टीम इंडिया के खिलाड़ी।